हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुगम और अगेन मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो मुझसे बहुत दिन से रिक्वेस्ट आ रही थी कि सुगम प्लीज़ अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर करिए कि आप क्या लेते हो, कैसे आप ब्रेकफास्ट लेते हो, क्या एक्सरसाइज का रूटीन है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज आप लोगों के साथ ये सारी चीज़ें शेयर करूँ। तो जस्ट मैं अभी उठी हूँ और बस आप के साथ मैंने ये जो अपना मॉर्निंग रूटीन है वो शेयर करना स्टार्ट कर दिया है। तो जस्ट मैं अभी उठी हूँ, फ्रेश हुई हूँ और इसके बाद दिखाती हूँ कि मैं कौन सा ड्रिंक ले रही हूँ, क्या ब्रेकफास्ट में लेती हूँ, कैसे मेरे एक्सरसाइज का रूटीन है। तो आज मॉर्निंग में, फुल मॉर्निंग में आप मेरे साथ रहने वाले हो। अगर वीडियो पसंद आए तो भर भर के लाइक कर दीजिएगा, चैनल अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए दिखाती हूँ कि मैं आज ड्रिंक कौन सा लेने वाली हूँ। तो मैं अपना मॉर्निंग ड्रिंक जो इस समय ले रही हूँ वो ले रही हूँ हॉट वाटर। बहुत ज़्यादा हॉट वाटर नहीं रहेगा क्योंकि जो लेमन है वो हमेशा आपको लुक वार्म वाटर में डालना होता है। बहुत गर्म पानी में आप लेमन नहीं ले सकते हो। तो यहाँ पे एक लेमन आपको लेना है और हल्का गर्म पानी। तो दिस इज़ माई मॉर्निंग ड्रिंक जो मैं करंट टाइम में ले रही हूँ बिकॉज गर्मी बहुत है। तो अगर आप बहुत गर्म चीज़ें लेंगे अपनी बॉडी में तो इट्स नॉट गुड फॉर योर बॉडी बिकॉज पिम्पल्स बहुत आ जाएंगे, बॉडी में गर्मी बहुत हो जाएगी और वेट लॉस करना थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम देगा। तो ऐसी चीज़ें अपनी लाइफ स्टाइल में ऐड करिए जो आपके लिए बेनिफिशियल भी रहें और स्किन भी ग्लो करे। तो ये मेरा मॉर्निंग ड्रिंक है जिसके साथ मैं थायराइड की मेडिसिन अपनी लेती हूँ और इतना ज़्यादा गर्म नहीं है तो पीने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो मैं इसे पीती हूँ, देन उसके बाद मैं फिर दिखाती हूँ कि इसके बाद मैं क्या करती हूँ। चाय मॉर्निंग ट्री, क्योंकि मेरी जो मॉर्निंग टी है वो सबसे अलग बनती है और लोगों को वो नहीं पसंद है। तो मैं दिखाती हूँ कि मैं किस तरह से अपने मॉर्निंग, और इसका वीडियो भी मैंने शेयर किया हुआ है कि मैं क्या क्या डाल के अपनी मॉर्निंग ट्री बनाती हूँ, जिससे कि मेरी बॉडी का शुगर लेवल भी कम होता है इन केस अगर मैंने लिया होता है। और वैसे भी जिन लोगों को भी मीठा खाने की थोड़ी सी ज़्यादा आदत है और वो चाहते हैं कि उनका शुगर लेवल थोड़ा सा कंट्रोल रहे तो वो ये वाली ले सकते हैं। और मैं सिर्फ रेगुलर बेसिस पे इस टी को लेती हूँ। तो इस टी में जिस मैंने चाय की पत्ती डाली है, एक दालचीनी स्टिक डाली है और मिल्क डाला है, दैट्स इट। और इसके बाद आप इसे हल्का सा बॉयल कर लीजिए, बॉयल का मतलब बराबर जितना भी आप बॉयल पसंद है बॉयल कर लीजिए, ज़्यादा बॉयल मत करिएगा वरना दालचीनी का टेस्ट बहुत ज़्यादा आएगा। और इस टी को मॉर्निंग ड्रिंक के लगभग 5 से 7 मिनट बाद मैं ले लेती हूँ। तो जो मेरी राय चाय है वो बनके रेडी हो गई है, बहुत अच्छा सा कलर भी इसका आया है। तो मैं इसे स्ट्रेन करती हूँ और बस मेरी चाय रेडी हो गई मॉर्निंग की। तो दिस इज़ माई मॉर्निंग टी और इस मॉर्निंग टी को पीते पीते मैं आप लोगों के मैसेज का रिप्लाई करती हूँ। और मुझे आप लोगों के मैसेज का रिप्लाई करना बहुत पसंद है और मेरे लाइफ में नेगेटिव थॉट्स की बिल्कुल भी
जगह नहीं है, तो जो भी नेगेटिव कमेंट्स होते हैं उन्हें मैं पढ़ना भी प्रेफर नहीं करती, उन्हें मैं ऐसे ही डिलीट कर देती हूँ। जैसे मुझसे बहुत से लोग बोलते हैं कि सुगम आपके वीडियोज़ पर नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, पॉजिटिव तो आते ही आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं, तो आप क्या करते हो, कैसे हैंडल करते हो? तो देखिए, मेरी लाइफ में ना ही नेगेटिव पीपल मुझे पसंद हैं, ना ही जो नेगेटिव बोलता है उन्हें मैं पसंद करती हूँ, और ना ही जो नेगेटिव कमेंट्स करेंगे एज़ यूजुअल उन्हें मैं पसंद करूँगी। तो मतलब मेरी लाइफ में नेगेटिव थॉट्स और ये सारी चीज़ों की कोई भी स्पेस नहीं है। अगर कोई नेगेटिव पर्सन है तो उसे मैं समझाने, मेरी लाइफ में नॉट कि मुझे कोई मैसेज करके कुछ बोल रहा है, अगर है तो मैं उसे थोड़ा बहुत पॉजिटिव थिंकिंग देने की कोशिश करूँगी। लाइफ है, बहुत सारे उतार चढ़ाव लाइफ में आते हैं, अगर आप इस तरह हार जाओगे तो कैसे? अगर सब चीज़ें अच्छी अच्छी रहेंगी तो आप अपनी लाइफ से थोड़ा सा बोर भी हो जाओगे, तो इसलिए थोड़ा बहुत ऐसी चीज़ें भी होना जरूरी है कि आप इंजॉय करते हुए लाइफ को आगे बढ़ो। अगर कुछ अचीव कर लेते हो तो अच्छा लगता है। और जैसे कि मुझसे बहुत सारे ऐसे जो न्यू यूट्यूबर्स हैं बोलते हैं कि मैम मेरा वीडियो आप डाल दीजिए अपने कम्युनिटी पे, मैं कोशिश भी करती हूँ कम्युनिटी पे डालने का। मान लीजिए एक वीडियो मैंने डाल भी रहा तो उनका वो वीडियो चलेगा, लोग उन्हें जानेंगे, तो मैं थोड़ी बहुत हेल्प भी कर देती हूँ। लेकिन नेगेटिव लोगों को मेरी लाइफ में बिल्कुल भी जगह नहीं है। और अगर आप सोचते हैं कि मैं ऐसा करके आपको सुगम को परेशान करूँगा, तो आप बिल्कुल भी मुझे परेशान नहीं करेंगे, बिकॉज मैं वो कमेंट पढ़ती ही नहीं। और दो चार लोग ऐसे हैं जिनके नाम मैंने रट लिए हैं, उनका मैसेज भी देखना मैं प्रेफर नहीं करती। ब्लॉक में हाँ, जैसे मैं ब्लॉक इसलिए नहीं करती हूँ, जो जलते हैं उन्हें और जलाओ मुझे ब्लॉक करने का। आज उन्होंने एक आईडी से खोला है, कल दूसरी आईडी से खोलेंगे, तो ब्लॉक करने से मुझे क्या मिलेगा? तो साथ ही साथ मैं चाय पीती हूँ, आप लोगों के मैसेज का कमेंट करती हूँ, और दो तीन इसी समय मैं जो डाइट प्लान जिनको देना होता है दे देती हूँ। तो ये मेरा मॉर्निंग का ऐसा टाइम है जो मैं आप लोग मतलब आप लोगों के साथ थोड़ा खर्च करती हूँ। साथ ही साथ एक चीज़ मैं और बताऊँ, जैसे बहुत सारे बोलते हैं कि खाली पेट एक्सरसाइज करो। यस, खाली पेट एक्सरसाइज करना बहुत अच्छा होता है, लेकिन मैं जब मॉर्निंग में उठती हूँ तो मैं उतना ज़्यादा एनर्जेटिक नहीं होती हूँ कि मैं योगा कर पाऊँ, मुझे नींद आने लगती है योगा करते करते। तो मैं उठती हूँ, मॉर्निंग टी लेती, मॉर्निंग ड्रिंक लेती हूँ, मॉर्निंग ट्री लेती हूँ, और इसके बाद थोड़ा बहुत इधर उधर जो रूम सेट करती हूँ ये सारा काम करती हूँ, उसके 20 मिनट बाद मैं अपना योगा स्टार्ट कर देती हूँ। बिकॉज आज सम लेडीज़ प्रॉब्लम पीरियड का फर्स्ट डे है, जिसकी वजह से मैं योगा स्किप कर रही हूँ, और वॉक कंटिन्यू रखूँगी। वॉक में कोई दिक्कत नहीं है बिकॉज मैं टेम्पोन यूज़ करती हूँ, तो जिसकी वजह से मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है चलने या उसमें। लेकिन योगा इज़ अ बॉडी की इनर एक्सरसाइज होती है, जिसके थ्रू हमें पेट में अंदर से एक्सरसाइज करनी होती है, तो इट्स नॉट गुड फॉर योर यूट्रस। यूट्रस पीरियड्स के दिनों में बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, बहुत ज़्यादा वीक होता है, और अगर आप उस पर प्रेस करोगे या इस तरह की कोई एक्सरसाइज करोगे तो यूट्रस डैमेज होने का डर होता है। तो इसीलिए 3 to 4 days मैं योगा नहीं करती हूँ। तो चाय पी के उसके बाद मैं दिखाती हूँ कि ब्रेकफास्ट क्या लेती हूँ, और क्योंकि आज मेरे पास टाइम ज़्यादा है, मैं योगा नहीं कर रही हूँ, वरना मैं 40 to 45 minutes 1 hour योगा करती हूँ, देन उसके बाद कुछ करती हूँ। तो अभी मैं चाय पीऊँगी, थोड़ा सा रूम सेट करूँगी, देन उसके बाद मैं अपने नेक्स्ट काम स्टार्ट करूँगी, यानी कि ब्रेकफास्ट बनाना स्टार्ट। अब मैं यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट बनाने जा रही हूँ। तो आज मैं ब्रेकफास्ट में ले रही हूँ ओट्स दलिया। जी हाँ, ये भी आता है, पतंजलि का ओट्स दलिया है, काफ़ी अच्छा है और थोड़ा सा मोटा होता है। इसमें मैं जो इसका प्राइस है वो है 35 only 35। ये पैकेट अगर आप अकेले खाने वाले हो तो आराम से 3 to 4 days चलेगा। और मैंने 3-4 पैकेट पहले से मंगवा के रखे हैं, यानी कि ये मैंने टोटल 6 to 7 पैकेट लिए थे। और इसके बाद आप पैन में, भगोने में, क्योंकि इससे फ्राई करने या फिर रोस्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप मैं दिखा रही हूँ, थोड़ा सा मोटा अनाज होता है ये, और बहुत क्रंची सा स्वाद होता है जब आप इसे खाओगे। तो आपको ये डालना है, लगभग 4 to 5 tablespoons आप लीजिए, या फिर हाफ से भी थोड़ा सा कम कटोरी अगर मैं बोलूँ तो वो लीजिए। इसके बाद आपको इसमें पानी डालना है, ना ही इसे रोस्ट करना है ना कुछ करना है, गैस जलाइए, ये डालिए, देन उसके बाद 1 cup पानी डालिए और ढक कर आप इसे 5 to 7 minutes आपको पकाना होगा। एक थिक पेस्ट में ये कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है आपको इसके लिए। तो 1 cup लगभग बड़ा वाला मैं पानी डालूँगी और आप जो है इसे ढक दीजिए पकने के रखने के लिए, और लो फ्लेम पे ही पकाइएगा, तभी इसका एक अच्छा आएगा, वरना पानी पूरा जल जाएगा और आपकी जो दलिया है वो बिल्कुल भी नहीं पकेगी।
तो आफ्टर 5 to 7 मिनट बाद ये देखिए जो मेरी दलिया है वो बनके रेडी है। आप अगर आप शुगर विदाउट शुगर नहीं खा सकते हो तो आप इतनी दलिया में 1 tablespoon शुगर डाल लूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे विदाउट शुगर पर खाना पसंद है। और इसके बाद आप इसमें 1/2 दूध डाल दीजिए। ध्यान रखिएगा लो फैट मिल्क या फिर घर में नॉर्मल मिल्क कोई प्रॉब्लम नहीं है, मॉर्निंग का है। आप इसमें इस समय बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हो। मेरा आज भी ऐसा कुछ भी खाने का मन नहीं है, जस्ट मुझे ये प्लेन ही खाना है। ना मैं इसमें शुगर डाल रही हूँ, ना इसमें कोई फ्रूट डाल रही हूँ, ना इसमें कोई भी मैं जो है आलमंड्स या फिर कुछ भी वॉलनट्स कुछ भी नहीं डाल रही हूँ, इसे प्लेन ले रही हूँ। प्लेन खाने में बहुत टेस्टी है। टेस्टी इसलिए क्योंकि इसकी क्रंचनेस है, जब आप खाओगे इसे तो बहुत ही क्रंची सा फ्लेवर आपके जबान पे आएगा और आपको खाने में बहुत मज़ा आने वाली है। मैं प्लेन ओट्स वैसे नहीं खा पाती हूँ, जो वो वाला ओट्स होता है दूध में डाल के खाते हैं उसको मैं नमकीन खाती हूँ, कभी भी मीठा नहीं खा पाती हूँ। लेकिन ये वाली ओट्स दलिया मैं हमेशा ऐसे खाती हूँ और मुझे काफ़ी पसंद। आप इसे मतलब कि नमकीन भी बना सकते हो, मैंने एक बार ट्राई किया था लेकिन नमकीन उतना स्वाद नहीं बनती है। तो ये मेरी जो दलिया है नॉर्मल दलिया से काफ़ी टेस्टी है और आप चाहें तो इसमें हल्की सी शुगर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आफ्टर ब्रेकफास्ट आप 15 से 20 मिनट बाद आपको यहाँ पे ग्रीन कॉफ़ी लेनी है। मैं ऑर्गेनिक इंडिया की ले रही हूँ, आप किसी भी कंपनी की प्रेफर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं जो कंपनी बताती हूँ आपको वही प्रेफर करने की ज़रूरत है। तो ग्रीन टी, ग्रीन कॉफ़ी, जो भी आपको पसंद है आप वो ले सकते हैं। तो ये मैं यहाँ पे ग्रीन टी लूँगी और उसके बाद मैं इसमें एक लेमन स्वीस करूँगी। इससे इसका टेस्ट जो है थोड़ा सा एनहेंस हो जाता है और मुझे इस तरह पीना ये ज़्यादा पसंद है। तो ये मेरी जो ग्रीन टी है वो बनके रेडी है और मैं इसे पीने वाली हूँ। इस तरह से आप इसे पीजिए। और इस ग्रीन टी को पीने के बाद अगर लंच और ब्रेकफास्ट के बीच में अगर आपको हल्की फुल्की भूख लगती है, अगर आप ऑफिस गोइंग हो, घर में भी हो, तो आप कोई भी एक फ्रूट ले सकते हो, वाटर मेलन ले सकते हो, ये खरबूजा ले सकते हो, आप एक छाछ का पैकेट ले सकते हो जिसे कि दूसरे स्टेट में लस्सी भी बोलते हैं, जो पतले वाले तरीके का बनता है, बटर मिल्क भी बोलते हैं, मट्ठा भी बोलते हैं। तो आप लंच और ब्रेकफास्ट के बीच में ये ऑप्शन ले सकते हो, कोई फ्रूट या फिर मट्ठा, मट्ठे में आप जीरा या फिर काला नमक डाल के आप इसे फ्री हो के पी सकते हैं। तो आज मैंने आप लोग के साथ अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर किया हुआ है कि देखिए ब्रेकफास्ट में आप ओट्स दलिया ले सकते हैं, आप ओट्स ले सकते हैं, जो बेसन और सूजी का मैंने आप लोगों से चिल्ला शेयर किया था वो ले सकते हैं, आप पोहा ले सकते हैं, आप इडली ले सकते हैं। तो इस तरह के ऑप्शंस मैंने काफ़ी दिए हुए हैं आप लोगों को, आप स्काउट्स ले सकते हैं। तो इनमें से कोई भी चीज़ आप एक मॉर्निंग में ले सकते हैं, उसके बाद आपको 15 से 20 मिनट के बाद ग्रीन टी या ग्रीन कॉफ़ी अपनी लेनी है, देन उसके बाद आपको कोई एक फ्रूट लेना है। बहुत ही जल्दी मैं आप लोगों के साथ अपना आफ्टरनून जो रूटीन है वो भी शेयर करूँगी कि किस तरह से क्या। और हाँ, इस को बटर मिल या फ्रूट लेने के बाद मैं अपना मेटाबॉलिक रेट को बूस्ट करने के लिए एक ड्रिंक भी लेती हूँ, वो भी बहुत ही जल्दी, जब मैं लंच का आप लोगों के साथ रूटीन शेयर करूँगी तो उसमें मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर करूँगी। अगर ये वीडियो जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो भर भर के लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए।